हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मुख गुहा की, बकल कैविटी की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपका ह्यूमन एनाटॉमी की शुरुआत हो जाती है और ये आपके पाचन तंत्र का हिस्सा भी है और पहला पार्ट भी है। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपके मुख गुहा से ही स्टार्ट होता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बकल कैविटी के बेसिक जानकारी को समझेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग बकल कैविटी की बात करते हैं, मुख गुहा की बात करते हैं, तो इसके पीछे भी हम लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए और जड़ से किसी चीज़ को समझना चाहिए ताकि आगे का चीज़ जो है आपको आसान समझ में लगने लगे। दोस्तों, जब हम लोग मुख गुहा की बात करते हैं तो उससे पहले हम लोगों को मुख के बारे में समझना चाहिए। किसके बारे में समझना चाहिए सर? मुख के बारे में समझना चाहिए। और नो डाउट आप सभी समझते हैं मुख, जिसको हम लोग मुंह बोलते हैं और इसी को हम लोग माउथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको? हम लोग माउथ भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो माउथ है, जो मुख है, वो दो पार्ट में बटा हुआ रहता है। एक पार्ट को हम लोग वेस्टिबुल या अग्रभाग बोलते हैं और दूसरा पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? आपका मुख गुहा कहलाता है, बकल कैविटी कहलाता है। मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो मुख है दोस्तों, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट को हम लोग कहते हैं सर अग्रभाग, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेस्टिबुल के नाम से जानते हैं, और दूसरा पार्ट आपका क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। क्या कहलाता है सर? मुख गुहा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बकल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बकल कैविटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोगों के माइंड में अब ये चीज़ घूमने लगा होगा कि सर ये अग्रभाग में क्या सब आएंगे। तो दोस्तों, आपका जो होंठ है, जिसको आप लिप बोलते हो, आपका लिप्स, जो आपका गाल है चीक, या जो फिर आपका टीथ है दांत, ये सब आपके मुख के आगे वाले भाग वेस्टिबुल में होते हैं। कहाँ पे होते हैं सर? वेस्टिबुल में होते हैं। जबकि मुख गुहा जो होता है, ये दोनों जबड़ों के मध्य में एक छिद्रनुमा संरचना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं या बकल कैविटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम बायोलॉजी में बकल कैविटी को डिफाइन कर रहे होते हैं, परिभाषित कर रहे होते हैं, तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि सर बकल कैविटी जो है ये आहार नाल का, किसका सर? आहार नाल का प्रारंभिक भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि आपका जो मुख गुहा है वो आहार नाल का क्या है? प्रारंभिक भाग है। क्या है? प्रारंभिक भाग है। आपने देखा कि आपके पास एक माउथ है, मुंह है, जिसका दो पार्ट, अग्रभाग जिसको हम लोग वेस्टिबुल बोले, जहाँ पे क्या क्या रहता है? तो आपका दांत, आपका जो गाल है, आपका जो होंठ है, ये आपके किसके भाग में आ जाता है? तो सर वेस्टिबुल में आ जाता है। और जो इंटरनल आपका पार्ट है, जो दोनों जबड़ों के मध्य में एक छिद्रनुमा संरचना है, उसको आप बकल कैविटी, मुख गुहा बोलते हो। और ये जो मुख गुहा है, ये क्या है? आपके आहार नाल, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? एलिमेंट्री कैनाल, उसका ये प्रारंभिक पार्ट है मुख गुहा। अब आप में से बहुत सारे आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे कि सर ये आहार नाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो पोषण की प्रक्रिया करते हैं अपने शरीर में, उसमें आपका पाचन तंत्र का बहुत ही अहम रोल होता है। अब आप कहेंगे कि सर पोषण क्या होता है? तो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से जो हम लोग पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, जैसे कि दाल से प्रोटीन मिलता है, चावल आलू से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो चावल आलू दाल ये सब आपके भोज्य पदार्थ हैं, इससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, ये सब पोषक तत्व हैं। तो भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग पोषण कहते हैं। और जो भोज्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं, वो होते हैं जटिल रूप में, कॉम्प्लेक्स रूप में। तो हमारा शरीर क्या करता है कि उस पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम का सेक्रेशन करके या विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का उपयोग करके जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, उसको छोटे छोटे अणु में तोड़ देता है। मतलब क्या कि सिंपल फूड मटेरियल में चेंज कर देता है। किसके थ्रू सर? तो पाचन तंत्र के थ्रू। किसके थ्रू कर देता है सर? पाचन तंत्र के थ्रू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको इंग्लिश में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब ये पाचन तंत्र क्या होता है, तो हम लोग सीधे सीधे कहते हैं कि जो हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों को पचाने का जो कार्यक्रम होता है वो एक तंत्र के द्वारा होता है, और जिस तंत्र के द्वारा हमारे शरीर में भोजन के पाचन का कार्यक्रम होता है उसी को हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मित्रों यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि आपका पाचन तंत्र जो है ये दो चीज़ से मिल के बना होता है। कितने चीज़ से मिलके बना होता है सर? दो चीज़ से मिलके बना होता है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, आहार नाल बोलते हैं। और आहार नाल में क्या क्या आता है, तो आपका बकल कैविटी आ जाता है, ओसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, स्टमक, ये सब आपके किस में आ जाते हैं सर, एलिमेंट्री कैनाल में आ जाते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक और तंत्र होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, सहसंबंध पाचक ग्रंथियाँ, संबंध पाचक ग्रंथियां। ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या कहते हैं सर इसको, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, मतलब क्या कि सहसंबंध पाचक ग्रंथि। अब आप कहेंगे कि सहसंबंध पाचक ग्रंथियां क्या होती है, तो मित्रों जो आपके पाचन में जो ग्रंथियां सहायता प्रदान करती है, जैसे कि आपका श्लेष्मा, वो क्या करता है कि श्लेष्मा ग्रंथियां म्यूकस को रिलीज करता है, ब्रूनर्स ग्लैंड, या फिर आपका जो लीवर है, या फिर आपका जो पेनक्रियाज है, ये सब किस में आ जाते हैं, तो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो हम पढ़ रहे थे मुख गुहा, आप बताने लगे इसके बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा था कि आहार नाल का मुख गुहा क्या है, प्रारंभिक भाग है। आहार नाल किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड का। डाइजेस्टिव ग्लैंड के कितने पार्ट, दो पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में बकल कैविटी आ जाएगा, ओसोफेगस आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, सहसंबंध पाचक ग्रंथियां में आपका अग्नाशय आ जाएगा जिसको हम लोग पेनक्रियाज बोलते हैं, यकृत, लीवर आ जाएगा, म्यूकस ग्लैंड आ जाएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड आ जाएंगे, आपका सलेबरी ग्लैंड जहाँ से लार निकलता है, ये सारे चीज़ आपका किस में आ जाएंगे, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आ जाएंगे। अब बात आती है कि चलो सर ठीक है, ये तो इसकी एक बेसिक पॉइंट थी, लेकिन हम लोग जब मुख गुहा की बात करते हैं, बकल कैविटी की बात करते हैं, तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बकल कैविटी इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, बकल कैविटी का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला चीज़ तो मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं, और आपको पता है कि जीभ का उपयोग हम लोग, जो हमने थंबनेल पे लिखा है, कि स्वाद को डिटेक्ट करने में करते हैं, जबकि दांत का हम लोग उपयोग क्या करते हैं, भोजन को टुकड़ा करने में करते हैं, या आप कह सकते हैं कुतरने में करते हैं। लेकिन सीधे सीधे अगर हम बात करें मुख गुहा से, जो इम्पोर्टेंट बातें निकल के आती है, पहला तो वो ये कि आहार नाल का प्रारंभिक भाग है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, मतलब क्या कि मुख गुहा कहाँ पे होती है, तो आप अपने कॉपी में लोकेशन करके ये भी लिख सकते हैं कि दोनों जबड़े के मध्य एक छिद्रनुमा संरचना है। एक कौन सा संरचना है सर, छिद्रनुमा संरचना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, जिसको हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। इसका लोकेशन कहाँ है, तो दोनों जबड़ा के बीच में है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग इसके लोकेशन की बात कर लेते हैं, तो सीधा सा यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन उठता है कि सर जो मुख गुहा है उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपरी तल है, वो क्या होता है कि पूरी तरह से क्षैतिज होता है, मतलब क्या कि समतल होता है। तो इसके ऊपर वाले पार्ट को, जो आपका क्षैतिज तल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तालू कहते हैं। मुख गुहा के ऊपर वाले भाग को, जो आपका क्षैतिज और समतल जैसा लगता है, जिसको आप जी से छूते होंगे तो टकराता होगा, इसको हम लोग तालू कहते हैं। और तालू को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पैलेट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि तालू के दो भाग होते हैं, एक तो आगे वाला भाग जो हड्डी से बना होता है, तो ये आपको हार्ड लगता है, तो हम लोग कहते हैं तालू के दो भाग हैं। पहला कौन सा आपका, कठोर तालू। पहला कौन सा आपका सर, कठोर तालू। और ये किससे बना है सर, तो बोन से बना हुआ है, हड्डी से बना हुआ है, इसीलिए आपका जो तालू का आगे वाला भाग होता है, यहाँ वाला, उसको हम लोग कठोर तालू कहते हैं, और जो आपका पीछे वाला भाग होता है तालू का, उसको हम लोग सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, या फिर हम लोग क्या कहते हैं सर, कोमल तालू कहते हैं। क्या कहते हैं, कोमल तालू कहते हैं।
ध्यान रखिएगा मित्रों कि कोमल तालु आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि तालु का पीछे वाला पार्ट जो सॉफ्ट पैलेट कहलाता है वो कोमल क्यों होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि ये किससे मिलके बने होते हैं सर? तो ये संयोजी उत्तक से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं सर? संयोजी उत्तक से मिलके बने होते हैं। और आगे वाला पार्ट जो तालु का होता है वो किससे मिलके बना होता है सर? बोन से मिलके बना होता है। इसीलिए क्या होता है सर? कठोर होता है। जबकि जो पीछे वाला होता है वो संयोजी उत्तक से मिलके बना होता है, इसलिए वो क्या होता है सर? आपका कोमल होता है। अब बात आती है कि चलो सर ठीक है, ये तो मान लिया कि मुख गुहा का जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम लोग तालु बोलेंगे। अब बात यह है कि सर इस तालु का मेन काम क्या है, इसका मेन वर्क क्या होता है? तो ध्यान दीजिए कि आपके तालु के ऊपर जस्ट ये नसल पैसेज है जिसको हम लोग नसल कैविटी बोलते हैं या हिंदी में नासा गुहा बोलते हैं, और नीचे में मुख गुहा है। तो आपके मुख गुहा और नासा गुहा दोनों के बीच में कौन है सर? तालु है। तो तालु का मेन काम क्या होता है कि ये मुख गुहा और नासा गुहा दोनों को अलग करता है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्या कि तालु, या यहाँ पे तालु लिखा ही हुआ है तो आप लिख सकते हैं कि ये मुख गुहा और नासा गुहा को, मतलब क्या नासा गुहा बोले तो नसल कैविटी, नाक वाला जो है, तो मुख गुहा और नासा गुहा को अलग करता है। क्या करता है सर? अलग करता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये अगर आपका एक बेसिक कंसेप्ट याद रहता है तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका ये एक मेन पॉइंट बन जाता है कि तालु का मेन वर्क क्या होता है। तो तालु का मेन वर्क बकल कैविटी और नसल कैविटी को क्या करना होता है? अलग करना होता है। तालु के कितने पार्ट होते हैं? तो दो पार्ट। हार्ड वाला पार्ट क्या होता है? आपका कठोर भाग जो बोन से बना होता है, और जो सॉफ्ट होता है वो क्या होता है सर? संयोजी उत्तक से मिलके बने होते हैं। तालु होता कहाँ है? तो मुख गुहा के ऊपरी भाग में होता है। कहाँ होता है सर? मुख गुहा के ऊपरी भाग में होता है। अब बात आती है कि चलो सर ठीक है, मुख गुहा में तालु होगा और तालु का ये कार्य होगा, लेकिन जरा सा ये बताओ कि मुख गुहा में तालु के अलावे और क्या सब होगा? मित्रों बहुत ही आसान सा चीज है, आपके मुंह में सिर्फ तालु है, जीभ है और दांत है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर मुख गुहा में मुख रूप से क्या पाए जाते हैं सर? जीभ तथा दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर? जीभ तथा दांत पाए जाते हैं। जीभ तथा दांत पाए जाते हैं। अब आइए हम लोग बात किसकी कर लेते हैं सर? जीभ की बात कर लेते हैं, टंग की बात कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं या फिर इसको हम लोग इरेज करके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर ले किसकी सर? जीभ की, टंग की। यूं तो आप सबों को पता है इसके बारे में कि बकल कैविटी में जो मेन इम्पोर्टेंट आपके अंग मिलते हैं वो तालु, जीभ और दांत सबके पास है भी और सबको पता भी है। लेकिन बायोलॉजिकली जब इसको डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो जीभ होता है आपका वो मुख गुहा के निचली सतह पर एक मांसल संरचना होती है। एक्चुअली में जीभ आपका है क्या? वो मांस का टुकड़ा ही तो है। जीभ आपका क्या है कि एक मसल्स स्ट्रक्चर है जो आपके मुख सतह से अटैच है। नीचे में जो आपका मुंह का सतह है उससे वो जुड़ा हुआ है, उसका एक भाग मुख सतह से जुड़ा हुआ है, जबकि एक भाग क्या है आपका स्वतंत्र है, जिसके चलते आप अच्छे से बोल पाते हो। तो हम लोग बायोलॉजिकली जीभ को कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम लोग कहते हैं सर बायोलॉजिकली जीभ के बारे में कि मुख गुहा की निचली सतह पर एक लंबी एवं मांसल संरचना होती है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जीभ कहते हैं। यहाँ पे मैंने पहले इसलिए लिख दिया कि बोलते वक्त आप में से बहुत सारे का पीछे छूट जाता है, तो बहुत सारे का कंप्लेन रहता है कि आप लिखते नहीं हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हो सर कि जो आपका टंग है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मांसपेशीय संरचना है। तो आप कहोगे कि सर इसमें ऐसी खास क्या बात होती है, जीभ का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है? जिस तरह आपने देखा था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख गुहा का उपयोग ये है कि वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करती है, ठीक उसी तरह हमारे मुख गुहा में जो जीभ है उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि ये टेस्ट को डिटेक्ट करती है सर। किसको डिटेक्ट करती है? टेस्ट को डिटेक्ट करती है। मतलब क्या कि स्वाद को पहचानती है। क्या करती है सर? स्वाद को पहचानती है, जिसके चलते क्या होता है कि इसके ऊपर में, जीभ के ऊपरी लेयर पे बहुत छोटे छोटे अंकुर, पैपिले होते हैं,
ठीक है, जिसको हम लोग टेस्ट बड बोलते हैं, स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। और इसी स्वाद कलिकाएं में क्या होता है आपका कि टेस्ट रिसेप्टर सेल होता है, स्वाद ग्राही कोशिका होती है जो आपके टेस्ट को क्या करता है सर, डिटेक्ट करता है। और जनरली जो हम लोग टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं और जो बायोलॉजिकली हम लोग कहते हैं कि हमारा जीभ जो है वो कौन कौन से टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है, तो हम लोग कहते हैं सर कि कड़वा को डिटेक्ट कर सकता है, खट्टा को डिटेक्ट कर सकता है सर, नमकीन को डिटेक्ट करता है, और साथ ही साथ हम लोग कहते हैं सर कि ये मीठा को डिटेक्ट करता है, स्वीटनेस को डिटेक्ट करता है। अब आप कहेंगे कि सर ये जीभ के किस किस हिस्से से होता है, तो यहाँ पे मित्रों आप देख रहे हैं कि ये आपका जीभ का एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मांसपेशीय संरचना है। इसका जो ये वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को आप देख रहे हैं, यही पार्ट आपके मुख गुहा के सतह से जुड़ा हुआ रहता है। यही पार्ट क्या होता है कि मुख गुहा के, या आप कह सकते हैं कि मुख सतह से जुड़ा हुआ रहता है, मुख सतह से जुड़ा रहता है। और इसको हम लोग जीभ का कौन सा भाग कहते हैं सर, तो पिछला भाग कहते हैं। कौन सा कहते हैं सर भाग, पिछला भाग कहते हैं। और ये वाला जो भाग है ये जीभ का क्या कहलाता है सर, अग्रभाग कहलाता है। ध्यान देंगे कि ये वाला पार्ट अग्रभाग कहलाता है और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, पिछला भाग कहलाता है। और यही पार्ट मुख सतह से जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पे जो आपका जीभ का सबसे पीछे वाला पार्ट है, ये किस कौन से स्वाद को डिटेक्ट करता है, तो सर ये कड़वा स्वाद को डिटेक्ट करता है। कौन सा स्वाद को डिटेक्ट करता है सर, कड़वा। यहाँ पे आपको बीटर लगता है। आप जब इस पार्ट की बात करते हो सर, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आपको खट्टा का फीलिंग्स आएगा। मतलब क्या कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये खट्टा को डिटेक्ट करता है और ये वाला पार्ट आपके नमकीन को डिटेक्ट करता है। सॉल्टी होने का एहसास आपको दिलाता है जीभ का ये वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये आपको मीठा लगता है। मतलब क्या आप कह सकते हैं कि जीभ का जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है वो आपको कौन सा स्वाद देता है, तो सर मीठा टेस्ट देता है। अब इसके बाद की जो इसमें टेस्ट बड्स होती है, स्वाद कलिकाएं होती है, वो आपको नमकीन स्वाद देता है। और नमकीन के बाद वाला जो स्वाद कलिकाएं होती है वो आपको खट्टा डिटेक्ट करवाता है। और खट्टा के बाद मतलब कि जो जीभ का सबसे पीछे वाला भाग होता है वो आपको बीटर कड़वा आपको डिटेक्ट करवाता है। दोस्तों मेनली जीभ का काम यही होता है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में इसके दोनों ही फंक्शन को लिखा भी है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या कि जीभ का अगला भाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और पिछला भाग मुख सतह से जुड़ा होता है। ये पिछला भाग रहा आपका जो मुख सतह से जुड़ा हुआ रहता है, और ये आपका अगला भाग होता है। आगे वाला भाग कौन सा टेस्ट डिटेक्ट करता है, तो मीठा। तो ध्यान में रखेंगे कि जीभ का जो अगला पार्ट होता है वो हमेशा स्वीटनेस को डिटेक्ट करता है, और स्वीटनेस मिठास हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है, तो पहले उसी का नाम आता है। अब फिर मैंने लिखा यहाँ पे कि ये जो टेस्ट जीभ आपका डिटेक्ट कर रहा है बस किसके लिए सर, तो इसमें स्वाद कलियाँ होती है, टेस्ट बड होती है। क्या होती है सर, टेस्ट बड होती है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया यहाँ पे कि ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर पेपिले होते हैं, जिसे स्वाद कलियाँ कहते हैं, टेस्ट बड कहते हैं। और मित्रों इसी टेस्ट बड में, स्वाद कलियाँ में क्या होता है आपका कि स्वाद ग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। स्वाद ग्राही कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेस्ट रिसेप्टर सेल बोलते हैं, जो क्या करता है कि कड़वा, खट्टा, नमकीन और मीठा जैसे स्वाद को डिटेक्ट करता है। तो पूरे आपके जीभ का कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है और यही कार्य होता है, और इतना से ही आपके एग्जाम में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे आपको फिर दांत बताना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाएँ। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।